तो फिर आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन में अभी फ्लाइट मोड ऑन है, और अगर अब मैं यूट्यूब चलाऊँ तो यूट्यूब नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर नेट कनेक्शन नहीं है और गेम भी बंद हो गया। तो फिर देख लीजिए, आपको जाना है सेटिंग ऑप्शन पर। यह रेडमी का फ़ोन है, ऊपर में जो अबाउट फ़ोन ऑप्शन है वहाँ पर आपको टच करना है, ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको ये ऑल स्पेस ऑप्शन दिखाई देगा, ऑल स्पेस में आपको टच करना है। टच करने के बाद आपको आना है इंटरनल स्टोरेज, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेटस के ऊपर में ऑप्शन है, यहाँ पर आपको टच करना है। टच करेंगे तो कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाएगा आपको, 1, 2, 3 बार परफेक्ट मतलब बाय टू बाय 3 बार टच करना है। टच करने के बाद अब देख सकते हैं कि ऊपर में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक है फ़ोन इन्फॉर्मेशन ऑन, फ़ोन इन्फॉर्मेशन टू और वाईफाई इन्फॉर्मेशन। तो फिर आप जिस सिम से नेट चलाओगी, मतलब अगर आप नंबर 1 सिम है तो आप नंबर 1 में जाओगी, या नंबर 2 सिम है तो टू में जाओगी। तो फ्रेंड देखिए, मैं 2 सिम यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 2 नंबर सिम से भी नेट चलाऊँगी, तो मैं इसलिए मैं 2 ऑप्शन में जाऊँगा, इन्फॉर्मेशन टू, फ़ोन इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको नीचे आना है, ऊपर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको मोबाइल रेडियो पावर, इसको आपको ऑन कर देना है। वीडियो को पूरा देख लीजिए, बहुत लोग हो सकते हैं ऐसे कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, तो मैं इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम दूर कर दूँगी। तो फिर देखिए, वहाँ पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर पिंग टेस्ट करना है। फिर देखिए, तो मैंने पिंग टेस्ट किया और देखिए मेरा फ़ोन में नेट ऑन हो गया। फिर मैंने तो 1-2 बार करने से हो गया, मतलब हो गया। अगर एक बार आपको नहीं होगा तो आप बैक आएंगे, आवर फ़ोन में जाएंगे, यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे रेडियो पावर को। करने के बाद आप पिंग टेस्ट करेंगे, रन पिंग टेस्ट करेंगे तो हो जाएगा, 2-3 बार टच करने से हो जाएगा। तो फिर देखिए, मेरा मोबाइल में अभी फ्लाइट मोड ऑन है और मैं गेम प्ले करूँगा या यूट्यूब भी चलाऊँगा, और इसी टाइम कोई भी कॉल हमारा फ़ोन नहीं आएगा। तो फिर देखिए, मैंने यूट्यूब ऑन किया और मेरा यूट्यूब ऑन हो गया।